असली शिकार तो साला ये है ये। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में हीरो तब तक हीरो नहीं होता जब तक उसमें कोई विलन ना हो। हीरो की तरह विलेन का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुंदर, अति सुंदर, बैठो, आओ, बैठो। बॉलीवुड में कुछ विलेन तो ऐसे रहे जो हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे। कुत्ते कुत्ते पालते हैं, शेर शेर पालते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताते हैं जिसने दर्शकों में होप पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेवकूफ मत बनो, हम तो अकेले ही तुम्हें करोड़पति की पत्नी बना रहे हैं। छोड़ो मुझे। इस एक्टर का नाम है सदाशिव अमरापुरकर। वो दर्शकों के पसंदीदा खलनायकों में से एक हुआ करते थे। शांति शांति, ये क्रांति का वक्त नहीं है कृष्णा, ये रुपया तुम्हारा है। सदाशिव का निधन साल 2014 में फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी के चलते हो गया था, लेकिन उनकी अदाकारी को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। मुझे कुंवारी माँ क्यों बनाया था? माँ, मुझे माफ कर दे चांदनी, मैं मजबूर। दोस्तों, सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। थोड़ा सा झूठ बोल सकता है? नहीं बोला, नहीं अभी बोलना पड़ेगा, प्यार करता है ना इससे। हाँ। इनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान, संजय दत्त और सलमान खान तक शामिल हैं। शालिनी, नमस्कार साधु काका। काका सदाशिव को पहला ब्रेक मेकर गोविंद नहलानी ने फिल्म अर्धसत्या में दिया था। हालांकि रोल छोटा था, लेकिन उनके किरदार की काफी तारीफ हुई थी। उसने क्या हमें चंदन का टीका समझा है कि जब चाहे लगा ले और जब चाहे मिटा दे। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म खामोश में सदाशिव ने बेहतरीन भूमिका निभाई थी। सारा शहर जानता है कि वीपी सिन्हा पारस है, पारस जिसके छूने। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आखिरी रास्ता में भी सदाशिव ने बेहतरीन किरदार निभाया था। ये प्रेम नहीं है, ये पूरा तुम्हारा बाल है। हाँ, मेरा बाल है। शादी से पहले तो मेरा बाल बहुत पसंद था। कितना अच्छा है तेरा बाल। इसमें सदाशिव निगेटिव किरदार में थे। इधर आ। 10,000 रुपए सिर्फ पुलिस स्टेशन में लाने के लिए। दोस्तों, धर्मेंद्र सदाशिव को अपने लिए काफी लकी मानते थे। वैसे तो सदाशिव ने अपना करियर उन दिनों शुरू किया जब धर्मेंद्र शिखर पर थे। नाग हूँ मैं, नाग, काला नाग। धर्मेंद्र को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव उनके पसंदीदा विलेन हो गए थे। आज सवेरे कबूतरनी गुटरगूं कर रही थी, मैं समझ गया कि मेरी तकदीरी। जानकार कहते थे कि धर्मेंद्र उन्हें अपने लिए लकी मानने लगे थे। आज अगर मुझे हाथ कड़ी पहनाई तो ना तुम्हारी ये कमिश्नर की वर्दी रहेगी। यही कारण है कि सदाशिव अमरापुरकर उनके साथ दो चार नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए थे। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं। सदाशिव विलेन का रोल इतने प्रभावपूर्ण ढंग से निभाते थे कि दर्शक हीरो से ज्यादा विलेन को पसंद करने लगते थे। नहीं, मिलने तो जरूर आऊंगा। काहे के लिए? जब तक मिलूंगा नहीं, चैन नहीं आएगा। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया और हरियाणवी फिल्मों में काम किया था। ए, पुरी दे, जल्दी जी, दूर से जरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मेरी बीवी का भी नमस्ते। सच्ची अकाल कहा है उन्होंने। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के महान अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर कैसे लगते हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।